मैं सलमान रावी हूँ बीबीसी से। भाई ये इस पे थोड़ा सा एलैबोरेट चाहता हूँ कि आप करें कि सामाजिक समरसता जो आपने कहा है, तो सामाजिक समरसता में मतलब सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का समाज या और भी कम्युनिटी के समाज भी इंक्लूडेड हैं इस सामाजिक समरसता में? समाज समरसता का फोकस ऐसे है कि हिंदू समाज के अंदर दुर्भाग्य से ऊंच नीच अस्पृश्यता अस्पृश्यता छुआछूत की बात जो है उसको दूर करने के लिए संघ प्रारंभ कर फ्रॉम डे वन, ये हमारा प्रयास है समाज में उस प्रकार के करना चाहिए। इसलिए हमने हिंदू समाज में क्या होता है, मंदिर में प्रवेश नहीं है, पानी तालाब की दृष्टि से, श्मशान किसी जाति के लिए उनके लिए प्रवेश नहीं है, ऐसे होता है दुर्भाग्य से। कुछ छोटे स्थानों पर गाँव में है, नगरीय क्षेत्र में कम दिखता है या लगभग नहीं है, लेकिन आज भी है, तो इसको दूर करना चाहिए। एक पहला विषय सामाजिक समरसता के दृष्टि से, आपने जो कहा समाज में सब प्रकार के पंथ संप्रदाय के मजहब के लोग रहते हैं, हमने राष्ट्रीय एकात्मता के दृष्टि से भी उसी प्रकार के, अभी राम जन्मभूमि आंदोलन में, इस राम जन्मभूमि आंदोलन की ये जो परसों कार्यक्रम किया अक्षत ये और जगह जगह पर गए, उसमें समाज के सब प्रकार के बंधु पंथ संप्रदाय के थे, वहाँ भी आए थे। मैं 22 जनवरी को वहाँ अयोध्या में था, केरल में ईसाई मुसलमान, तो वो भी आते। राष्ट्रीय एकात्मता के दृष्टि से जो समाज के सब प्रकार के पंथ संप्रदाय ना संघ इसका आग्रह पूर्वक करता है। पूजनीय सरसंघ चालक जी ने समाज के इस ऐसे वर्गों के प्रमुख लोगों से संवाद करने का लगातार प्रयास पिछले वर्षों में किया है, आप लोगों ने भी उसका प्रचार भी किया है,